वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले, दो बड़े प्याज, 6-7 कलियां लहसुन की और 1 चम्मच बारीक सरसों। और हमारे यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम डालेंगे केले। केले को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है अड़ते पड़ते हुए। और ये जो लहसुन सरसों था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए, हमने ऊपर पलट लिया इनको और ये केले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हमने इसमें प्लेट में निकाल लिया है। और अभी हमारा तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है मसाला बनाने के लिए। तो इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, इसको थोड़ा सा लाल होने देंगे। और अब हम इसमें साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। अब इनको थोड़ा सा हम क्रैक होने देंगे, तो एक बार चला लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें साथ ही हम डालेंगे 1 पिंच ऑफ हींग। और अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हीरा और हींग और जीरा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भून चुका है। अब हम डालेंगे इसमें साथ ही प्याज। प्याज को हमें लाल होने तक भूनना है, तो ये अच्छे से चला लें एक बार। और जब मसाला पेस्ट बना के रखा था उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको हम देखिए प्याज हमने एक बार फिर से चला लिए हैं, प्याज का कलर चेंज हो चुका है और हमने मसाले का पेस्ट बना लिया है सभी का अच्छे से घोल करके। और अब अभी मेरा प्याज हमारे लाल हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे अपने इस मसाले को और इसको एक बार फिर से चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए मसाला भुन चुका है हमारा थोड़ा थोड़ा, अभी अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम डाल देंगे साथ ही क्रश करा हुआ थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसको एक बार फिर से चला लेंगे, मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे साथ ही अपने केले जो हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे हुए थे प्लेट में, उनको डालना है। और फिर से एक पचाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें साथ ही थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार डालना है आपको, आप कम खाते हो तो कम। और मुझे रेशेदार सब्जी थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और पानी डाल के 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाया है इसको। और ये देखिए सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। और ये देखिए सब्जी को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। ये सब्जी रोटी, चावल और पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।